हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल IISM में आपका स्वागत है। बिना वक्त जाहिर किए दोस्तों, हम चलते हैं सीधे चार्ट पैटर्न पर और देखते हैं किस स्टॉक में किस तरह का चार्ट पैटर्न फॉर्म हुआ है और 15 जून के दिन उस स्टॉक के प्राइस में किस तरह का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। सबसे पहले देखते हैं इन्फोसिस को। फ्रेंड्स, इन्फोसिस के शेयर में काफ़ी लंबे समय से एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम देखने मिला और आगे चलकर उसने एक इवनिंग स्टार पैटर्न को यहाँ पे क्रिएट किया है, जिसके अकॉर्डिंग इस स्टॉक के अंदर जो हमको एक एंट्री मिल रही है वो मिल रही है हमको 1454.20 पे। इसका स्टॉप लॉस बन रहा है ये देखिए 1477 रुपये, जिसका टारगेट बन रहा है वो है 1430 रुपये। तो यहाँ पर एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है। साथ ही साथ इस स्टॉक में एक दूसरी चीज़ आप देख रहे हैं, वो ये है कि इसका जो वॉल्यूम का जो डाइवर्जन है वो भी नेगेटिव है, क्योंकि इसकी प्राइस को सपोर्ट नहीं कर रहा। तो इस स्टॉक में आने वाले समय में काफ़ी तेज़ी से नीचे गिरने की बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। तो आप एक ट्रेड में स्टॉप लॉस के साथ एंट्री लीजिए और अच्छा पैसा बनाइए। फ्रेंड्स, ये जो पैटर्न है H1 के चार्ट पर फॉर्म हुआ है। आइए फ्रेंड देखते हैं दूसरे स्टॉक्स को, एल्काइलामाइन। एल्काइलामाइन के 30 मिनट के चार्ट पर एक जो पैटर्न फॉर्म हुआ है वो है हैमर। यह स्टॉक काफ़ी लंबे समय से बेरिश ट्रेंड में ट्रेड कर रहा था, लेकिन यहाँ चलकर इसने एक हैमर पैटर्न को क्रिएट किया है, जिसके अकॉर्डिंग इस स्टॉक्स के अंदर जो हमको एक बाई एंट्री मिल रही है वो मिल रही थी 3583 रुपये पे। स्टॉप लॉस मिल रहा है इसका 3525 का, तो तकरीबन 52-53 का इसमें स्टॉप लॉस है। फ्रेंड्स, में जो टारगेट बन रहा है वो लगभग 3650 रुपये के नियर अबाउट बन रहा है। तो आप इन दोनों ही स्टॉक्स में कल के दिन में यानी कि 15 जून को ट्रेड करके अच्छे खासे पैसे बना सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।